तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप दोस्तों एक नए यूट्यूबर हो, काफी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पे मेहनत कर रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, बट ना तो आपको व्यूज मिल रहा है, ना आपका चैनल ग्रो कर रहा है, ना आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ऐसे में दोस्तों आप लोगों को एक चैनल में आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आप ही की तरह एक नए यूट्यूबर का चैनल है। उस बंदे ने जो है कुछ ऐसा तरीका निकाला है जिससे भाई उसके चैनल सिर्फ 80 वीडियोस में ग्रो कर गया है। उस बंदे ने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, लॉन्ग वीडियो भी डाल रखी है। आप लोगों को दोस्तों अगर उस चैनल को देखोगे तो आप लोगों को तीन बातें वहां पर सीखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो भाई आपका चैनल भी उस भाई की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों ने काफी सारी वीडियो देखी होगी भाई, और जो लोग बोलते हैं कि डेली वीडियोज अपलोड करने से ही आपका चैनल ग्रो करता है, आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हो, डेली आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तो भाई YouTube भी आपको सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं YouTube नए क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करता है। आपको दोस्तों जो चैनल दिखाने वाला हूं भाई उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि YouTube जो छोटे यूट्यूबर होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, ठीक है, उनका चैनल भी ग्रो करता है। तो वीडियो यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, हर वीडियो की तरह शानदार होने वाली है, तो वीडियो को यार लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने मेरे YouTube एप्लीकेशन ओपन किया, मेरे सामने ये वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है ब्राउज फीचर में, और ये दोस्तों आप ही की तरह एक नई यूट्यूबर का वीडियो है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका बंदे का वीडियो वायरल हो रहा है ब्राउज फीचर से। सिर्फ 5 दिन के अंदर यहाँ पे जो है 10,000 से भी ज्यादा इसको व्यूज मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इस बंदे के चैनल पे जाके देखोगे तो भाई ना तो मैंने इसकी वीडियो पहले देखी है, ना ही मैंने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया था, फिर भी यहाँ पे मेरे YouTube ने मेरी इसकी वीडियो को यहाँ पे दिखाया है। आप दोस्तों इसके चैनल पे देखोगे तो भाई आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे नीचे की तरफ दोस्तों आप जाओगे तो इस बंदे का सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, कुछ टाइम पहले यानी 1 महीने पहले तक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बंदा अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर रहा था, बट ना तो इसके शॉर्ट वीडियो पे व्यूज आ रहा था, ना इसकी बड़ी वीडियो पे व्यूज आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो पे भी जो है यहाँ पे 64 व्यूज आ रहा है, 187 व्यूज आ रहा है, 1K व्यूज आ रहा है, किसी किसी वीडियो पे 1.8 के या 2.8 के व्यूज गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखो इस बंदे ने बड़ी वीडियो अपलोड की 13 दिन पहले, बट इस वीडियो पे भी जो है 806 व्यूज यहाँ पे मिला है, उसके बाद 174 व्यूज मिला है, फिर 172 व्यूज मिला है, फिर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जिसपे 1.5 के व्यूज गया है, फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 5 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जो शॉर्ट चैनल का वॉच टाइम कैसे पूरा करें, शॉर्ट्स के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 मिनट की वीडियो है, 13,000 इस पर व्यूज गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इन्होंने अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया 2 दिन पहले, आप यहाँ पे देख सकते हो 2.6 के व्यूज गया जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखो इस चैनल से पहली बात तो आपको ये सीखने को मिलती है कि अगर आपके शॉर्ट वीडियो आप डाल रहे हो और आपको व्यूज नहीं मिल रहा है तो आप बड़ा वीडियो भी डाल सकते हो। जल नहीं कि भाई आपका चैनल सिर्फ शॉर्ट से ग्रो करेगा, आपका जो है बड़ा वीडियो भी वायरल हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख रहे होंगे इस बंदे ने सिर्फ ये किया। अगर ये शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करता रहता तो हो सकता है इसका चैनल अभी तक ग्रो नहीं करता, बट आप यहाँ पे देख सकते हो इस बंदे का चैनल ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनके चैनल पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो आप देखोगे तो इनका एक वीडियो वायरल होता है 8 महीने पहले यहाँ पे वायरल हुआ था, आप देख सकते हो ये बड़ा वीडियो है, 1,81,000 व्यूज यहाँ पे गया है। और इस वीडियो का टॉपिक आप दोस्तों देखो, शॉर्ट्स चैनल से 4 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करें, इस टॉपिक पे इन्होंने वीडियो बनाया था। यहाँ पे दोस्तों आपको ये सीखने को मिलता है कि जो वीडियो आपका वायरल हुआ है उसी से रिलेटेड आप अगर वीडियो बनाते हो तो आपके पास वही ऑडियंस होती है जो आपकी लेटेस्ट वीडियो को देखती है। आप यहाँ पे दोस्तों देखो इन्हें जो अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया ना, जो इनकी वायरल वीडियो हुई थी इनके पास जो सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने वीडियो बनाई, तो डेफिनेटली इनका वीडियो वायरल हुआ। आप देख सकते हो 13,000 व्यूज गया, 2.6 के व्यूज गया। यहाँ पे दोस्तों मैं एक और चीज आपको बता दूं, मेरे चैनल पे दोस्तों आप देख लो, मेरे चैनल पे जो भी ऑडियंस है वो शॉर्ट्स के रिगार्डिंग वीडियो देखना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए मेरी शॉर्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ या वायरल करने का तरीका बताता हूँ शॉर्ट वीडियो का, तो भाई मुझे ज्यादा व्यूज मिलता है उस टॉपिक पे और दूसरे टॉपिक पे कम व्यूज मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वीडियो वायरल भी हुआ, 50,000 व्यूज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों का दोस्तों जो भी वीडियो वायरल हुआ आपके चैनल पे उसी के रिगार्डिंग, उसी के टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस अपलोड करना है, तभी आपका चैनल ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि आप लोगों को दोस्तों मिक्स कंटेंट नहीं करना है अपने चैनल पे, जो भी टॉपिक पे आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट कर सकते हो उसी टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है और उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे स्टार्टिंग से पता था कि भाई मैं शॉर्ट्स से रिलेटेड ही मैं वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ और मुझे शॉर्ट्स के रिगार्डिंग काफी अच्छी नॉलेज है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और मैं इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं यही चाहता था कि भाई मेरा कोई भी वीडियो वायरल हो तो शॉर्ट्स से रिलेटेड ही हो, ठीक है। तो मेरा इस चैनल पर शॉर्ट्स से रिलेटेड वीडियो वायरल हुआ और मेरे पास काफी अच्छी ऑडियंस भी हुई। सबसे मोस्ट पॉपुलर आप मेरी वीडियो देखोगे तो भाई गेमिंग शॉर्ट वीडियो वायरल करने से रिलेटेड है, तो अब मैं जब भी गेमिंग वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो वायरल करने के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो मुझे काफी अच्छा व्यूज मिलता है।
यानी कि दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई कुछ भी टॉपिक पर आपने वीडियो बनाकर डाल दिया, अगर वो वीडियो आपको वायरल हो जाता है तो भाई आप दूसरे टॉपिक पर जब वीडियो बनाओगे तो आपके पास व्यूज नहीं आएगा, साथ ही आपको टॉपिक की प्रॉब्लम होगी कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी अपलोड करूँ, तो ये प्रॉब्लम होता है। इस वजह से टॉपिक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यूट्यूब पर एक सही टॉपिक सिलेक्ट करके आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर नॉलेज मिली हो वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।